हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम महिंद्रा का स्टेयरिंग व्हील चेंज करने वाले हैं। और स्टेयरिंग व्हील हम क्यों चेंज करने वाले हैं, उसका रीज़न और प्राइस, वो सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले मैं आपको स्टेयरिंग व्हील दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, ये सोनालिका का स्टेयरिंग व्हील है। जेन्युइन कंपनी का नहीं है, लेकिन सोनालिका का जैसा डिज़ाइन आता है सेम वैसा ही है। तो ये मैंने हरियाणा से ऑर्डर किया है। इसकी जो प्राइस है, लगभग आपको विथ डिलीवरी 1000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगा ये। और ऐसे अगर आप ऐसे शोरूम पर जाते हो लेने एजेंसी में, तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। और क्वालिटी क्वालिटी भी बहुत इसकी बढ़िया है। तो अब बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील में क्यों चेंज कर रहा हो, ये महिंद्रा का ओरिजिनल क्यों चेंज करना पड़ रहा है। तो ये जो हमारा का महिंद्रा का स्टॉक स्टेयरिंग व्हील है, पुराना ओरिजिनल, इसका जो ये डायमीटर है स्टेयरिंग व्हील का, वो ज़्यादा है। इसलिए स्टेयरिंग व्हील का डायमीटर ज़्यादा होने के कारण, जब हम टायर मतलब फ्रंट टायर मोड़ते हैं, तो ये ज़्यादा बार इसे रोटेट करना पड़ता है और इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। मतलब ज़्यादा बार रोटेट करने से बार बार दिक्कत हो जाती है। तो और ये जो स्टीयरिंग व्हील है, इसका ये डायमीटर इससे कम है। मैं आपको एक बार इसको, तो ये आप देख सकते हो इसके अंदर तक है। तो यही मेन रीज़न है ये स्टीयरिंग व्हील चेंज करने का। और स्पेशल बात इसमें ये, या नॉब देख सकते हो आप, इसमें ये नॉब भी आता है, तो घुमाने में इसे आसानी से हम बहुत ही आसानी से घुमा सकते हैं। तो यही मेन रीज़न था चेंज करने का। बहुत ज़्यादा रोटेशन होते थे पहले, इसलिए हम ये चेंज कर रहे हैं। और इसका आप मटेरियल देख सकते हो, ये इसका जो मटेरियल है ये सॉफ्ट है, ऐसे दबता है। और ये जो पुराना वाला है, ये एकदम, ये आप देख सकते हो प्लास्टिक की तरह है, फाइबर की तरह। इसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है पुराने वाले की, लेकिन अब हम ये चेंज करने वाले हैं। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं पुराने वाली। सिर्फ एक बोल्ट निकाल नट निकालना पड़ता है। इसके अंदर आप देख सकते हो पानी गया है। ऑयल भी मैंने इसे पहले किया था। ये जो नट है वो 24 नंबर के की से निकल जाता है। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हो ये पुराना स्टेयरिंग निकल लिया है। ये आसानी से निकल गया, क्योंकि 2 महीने पहले ही हमने इसमें पावर स्टेयरिंग किया था। तभी इसमें ऑयल और ग्रीस लगाकर फिट किया था, तो वो विदाउट पुलर के ही निकल गया। पुलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे निकालने में, हाथ से ही आसानी से निकल गया। तो इसमें ये की होती है, वो बहुत ज़रूरी है। ये की आप देख सकते हो यहाँ पर है, ये की लगा कर इसे थोड़ा ग्रीस लगा कर की यहाँ पर हमें लगानी है। पहले थोड़ा ग्रीस लेते हैं और एक की स्लॉट में थोड़ा सा लगा लेते हैं यहाँ पर। ऐसे की बैठ जाती है ग्रिस से। इसके बाद सिंपली हम ये स्टीयरिंग इस पर माउंट कर देंगे। पहले इसके अंदर का कैप निकाल लेते हैं, ऊपर जो होती है वो देख सकते हो। यहाँ पर की स्लॉट है, सेम उसमें हमें प्लेस कर देना है वैसे ही। तो ये अब टाइट कर लेता हूँ मैं, फिर आपसे मिलता हूँ। तो आप देख सकते हो ये नट जो है वो टाइट कर लिया है, प्रॉपर फिक्स हो गया है स्टीयरिंग। एक बार मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, लास्ट में कुछ सिनेमेटिक शॉट भी दिखा दूंगा स्टीयरिंग के। ये
ये लगाना भूल गए। ये आप देख सकते हो, ये इसके ऊपर की कैप है, वो सिंपली से फिट हो जाती है इसमें। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है अब। ये जो नॉब है इसकी वजह से बहुत ही बेटर फीलिंग आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है अब स्टीयरिंग मोड़ने में। और इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत बढ़िया है, ओवरऑल ये स्टीयरिंग भी बहुत मुझे अच्छी लगी। तो अब मैं कुछ आपको सिनेमैटिक शॉट दिखा देता हूँ इसके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। ऐसे हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और मॉडिफिकेशन के रिलेटेड वीडियोस लेते आएंगे। थैंक यू वीडियो देखने।